नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम रवांडा पहुंच गए। किगाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के विमान के उतरते ही रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया जा रहा है कि यह पहला अवसर है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने रवांडा का दौरा किया है। गौतस्करी के शक में मारे गए रकबर खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि रकबर के एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूटी हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों का कहना है कि चोट के बाद अंदरूनी रक्तस्राव हुआ होगा। गौरी लंकेश हत्याकांड की गुत्थी लगभग सुलझ गई है और जल्द ही इस मामले की जांच कर रही एसआईटी फाइल बंद करने वाली है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के दावों से तो ऐसा लग रहा है। वहीं एसआईटी ने दो और आरोपियों को हवोली से गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अगर लोग बीफ खाना बंद कर दे तो देश में मॉब लिंचिंग रुक जाएगी। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक ने गोदावरी नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। युवक की मौत के बाद आज मराठा क्रांति मोर्चा ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू का दूसरा भाग प्रकाशित किया है। दूसरे भाग के इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि शिवसेना रीजनल पार्टी है, लेकिन यह ओरिजिनल है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना को शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने दूसरों का दल तोड़कर स्थापित नहीं किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार रात को जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम के कारण उत्तराखंड में 115 कैलाश मानसरोवर यात्री फंस गए हैं। सुषमा स्वराज ने कहा कि खराब मौसम के कारण उत्तराखंड के गुंजी में 115 तीर्थयात्री फंस गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अमेरिका के भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा दिए 2 साल गुजरने के बाद देश की संसद ने ट्रंप प्रशासन से ऐसी नीति तैयार करने को कहा है जो भारत के साथ रक्षा संबंधों की प्रगति में सहायक हो। साथ ही संसद ने अमेरिका के 2 बड़े प्रतिद्वंदी देश चीन और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाने की भी मांग की। मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगार डेविड हेडली पर अमेरिका की शिकागो जेल में जानलेवा हमला हुआ है। ऐसी चर्चा है कि हमले में गंभीर रूप से घायल हेडली को शिकागो के नॉर्थ एविस्टन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए 2 महीने से चल रहा प्रचार का दौर आज आधी रात को समाप्त हो जाएगा। इसके मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और नेता जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं और घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की आखिरी कोशिशों में लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।